सेटिंग अरेंजमेंट का 8th तक क्वेश्चन किया था सीए फाउंडेशन का, आज हम क्वेश्चन नंबर 9th से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपकी सीए फाउंडेशन के सारी की सारी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस कंसेप्ट के साथ अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को ये हेल्प मिलनी चाहिए। ओके, चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे आप। नाइन नंबर क्वेश्चन है, फाइव बॉयज A1, A2, A3, A4, A5 आर सिटिंग इन अ स्टेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर्स। A5 इज अबव A1, यहां पे हम क्या रख लेंगे, A1 रख लेंगे, इसके ऊपर A5 है, ऐसे बोला। A4 इज अंडर A2, A2 हम यहां पे रख लेते हैं और A4 इसके नीचे है, ठीक है, ऐसे उन्होंने बोला। A2 इज अंडर A1, A2 आपके नीचे है, ठीक है, एंड A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A4 बिटवीन, ये हो गया। तो आपकी जो अरेंजमेंट्स है वो कैसे हो जाएगा, A5, A1, A2, A4, A3। अब क्वेश्चन क्या है, विच इज द लोएस्ट पोजिशन ऑफ द स्टेयर, सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो A3 है, तो A3 हमारे पास कौन सा है, B, B, आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, B आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 देखेंगे। फाइव चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ पी। अब देखिएगा, पांच चिल्ड्रन सिटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे राइट मान लेंगे और इस साइड हम लेफ्ट मान लेते हैं थोड़े देर के लिए। अब चलिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है वो देखिए, एस इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ पी। अब जो एस और पी की रिलेशन है वो ऐसे बोला है, एस पी भी हो सकता है, पी एस भी हो सकता है। एस इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ पी बट नॉट, बट जो बोला वो किसके लिए, एस के लिए बोला, एक कनेक्टर है, बट जो बोला वो एस के लिए बोला, बट नॉट टी, तो टी यहां पे नहीं हो सकता, टी टी यहां पे नहीं हो सकता, ये वाला बात दिमाग में रखनी है। हम ऐसे रख सकते हैं, टी इधर रख सकते हैं, टी इधर रख सकते हैं, ये वाली पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट से ये महसूस हुआ, ठीक है। के इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ आर, तो और यहाँ पे के इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ आर और के आर, पांच में से चार का तो ऐसे बता दिया, नेक्स्ट ऑफ आर के इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ, हु इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, हु इज के इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ आर, नेक्स्ट ऑफ आर हु बोला वो किसके लिए बोला, आर के लिए बोला, हु मीन्स आर के लिए, कनेक्टर है, हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर बढ़ा, तो यहां पे तो एक तो बता दिया कि यहां पे आर है, दूसरा बता दिया कि यहां पे के है, एक तो बात बता दी। अगर मैं यहां पे एसपी रखता हूं तो यहां मैं टी रख सकता हूं, यहां पे टी रख सकता हूं, एक तो तरीका ये है, और ये तो आर हो जाएगा, यहां पे के हो जाएगा, यहां पे पी एस रख दिया, 1, 2, यहां पे पी एस पे इसको छोड़ दिया,
और यहाँ पे एस रख दिया, एस के साथ टी नहीं हो सकता, तो पी के साथ टी हो सकता है, तो ये हो सकता है, ये ऐसे दो बन सकता है इसमें। अब आपको पूछा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज आर एडजेसेंट ऑफ एस, एस के एडजेसेंट में कौन से, तो एस के एडजेसेंट में अगर यहां देखा जाए तो यहां पे ओनली पी है, ओनली पी, ये भी करेक्ट है। एस के एडजेसेंट में या एडजेसेंट मतलब एकदम पास में, एकदम पास में कौन सा है, यहां पे देखा जाए तो के एंड पी है। तो हमारे पास ओनली पी भी आंसर दिया हुआ है और के एन पी भी आंसर दिया हुआ है, दोनों में कोई भी आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, के एन पी आपको बेस्ट होगा, आपके सोल्यूशन के अनुसार जाइएगा, के एन पी को लिखिएगा, ठीक है ना। ओ चलिए अब हम क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में है, फाइव सीनियर सिटीजंस आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है। अब देखिएगा यहां पे 5 सीनियर सिटीजंस में मल्टी, मिस्टर मॉन लिव्स इन द फ्लैट अबव मिस्टर अशोका, अशोका के ऊपर बैठता है। अब मान लिया जाए एम ये है तो ये अशोका के ऊपर बैठता है, यहां पे ये कंडीशन तो ये दिया हुआ। मिस्टर लोकेश फ्लैट इज बिलो गौरव, लोकेश का जो है वो गौरव के बिलो है, ये वाला कंडीशन एक हो गया, लोकेश मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोका लिव्स फ्लैट बिलो गौरव, तो अशोका जो होगा वो यहाँ पे हो सकता है बिलो गौरव, बिलो गौरव का मतलब क्या होता है नीचे, अब इमीडिएट बिलो नहीं बुलाए, बिलो गौरव अशोका ये हो सकता है, मिस्टर गौरव बिलो मिस्टर गौरव, एंड राकेश ये अशोका लिव्स इन द फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव एंड राकेश, राकेश के ही भी नीचे बैठेगा, राकेश के भी नीचे बैठेगा ऐसे बोला गया। अब आपको ये जो बोला है ये मॉन है, ये कौन सा हो जाएगा, ये सबसे ऊपर हो जाएगा, एम हो जाएगा, कैसे एम हो जाएगा, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये। अब देखिए अशोका मिस्टर लोकेश नॉन लिव्स इन द फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, अशोकन के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, मिस्टर अशोकन, मिस्टर लोकेश फ्लैट्स बिलो मिस्टर गौरव, लोकेश का जो फ्लैट है गौरव के नीचे, ठीक है, गौरव के नीचे, मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव एंड राकेश लिव्स फ्लैट्स बिलो लोकेश, राकेश का जो फ्लैट है वो लोकेश के बिलो है, राकेश का फ्लैट, तो राकेश का फ्लैट बिलो लोकेश, ठीक है ना, इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे यहां पे राकेश को रख देंगे, राकेश को रख देंगे, ठीक है। अब हम देखते जाएंगे यहां पे अगर अशोका रख देते हैं, यहां पे अगर राकेश को रख देते हैं, यहां पे गौरव को रख देते हैं, नहीं राकेश के ऊपर लोकेश, लोकेश लोकेश के ऊपर गौरव, उसका रीजन है कि देखिए लोकेश ये फ्लैट इज बिलो गौरव, गौरव इसका भी फ्लैट बिलो है, इसका भी फ्लैट बिलो है, इसका भी फ्लैट बिलो ही है, तो ये अपना में जैसे भी रहे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन सबसे पहले ये वाला ऊपर है,
सबके ऊपर माना जा सकता है, क्योंकि वो किसके नीचे है, नीचे के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऊपर है ऐसे बोला गया, अशोक के ऊपर है। अब उन्होंने बोला हु लिव्स इन द टॉप फ्लोर फ्लैट, द टॉप फ्लोर फ्लैट क्या सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर आपका सी हो जाएगा, मिस्टर एम यू ए एन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इन अ गैदरिंग सेवन मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो। अब सेवन मेंबर्स है, अब कौन से साइड में है, तो हम इधर लेफ्ट मान लेते हैं, इधर आप राइट मान लीजिए, एक दो तीन चार पांच छ सात। अब देखिए नरो, सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, तो सी जो है वो बी के लेफ्ट में है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बट ऑन द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में है, ऐसे रख दीजिए डी सी बी, एक तो ये हो गया डी। ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी, ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी, ठीक है। एफ इज सिटिंग राइट ऑफ ई, एफ इज सिटिंग राइट ऑफ ई, तो ई के राइट में एफ रख दीजिए, तो बहुत आसान है, राइट ऑफ ई। बट लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी, ये तो सीखी है। एच इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई, एच इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई, फाइंड द पर्सन, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए आप पर्सन, अब फाइंड द पर्सन सिटिंग द मिडिल, मिडिल में कौन बैठेगा, सात है तो तीन इधर कर दीजिए, तीन इधर कर दीजिए, तो ये आपका डी हो जाएगा, तो मिडिल में आपका डी वाला हो जाएगा, डी इज द मिडिल, ये डी बी आंसर हो जाएगा आपका। डी इज द मिडिल। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम 30 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करें।